हेलो कंट्रा फैमिली। तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए गेम प्ले के अंदर। तो भाई आज का टॉपिक तो मुझे मिल ही गया था क्योंकि हमारे पास आ चुकी है भाई ओसी। तो भाई जिस स्टाइल के साथ हैं ओसी, मतलब कि कार्ल एंडरसन और ल्यूक गल्स। तो चलते हैं भाई। तो इनका मैच मेरे को ना डिसीजन डे के साथ ही करना बेटर लगा, तो इन्हीं के साथ करते हैं। तो खतरो टीम तो हार गई थी, वो तो मैंने भाई आपको अपनी WR3D की गेम प्ले के अंदर भी बताया था, पर चलो कोई नहीं। तो रूल्स वही हैं जो कि भाई आप लोगों को पता है, नॉक आउट ऑन बस। बाकी तीन तीन फिनिशर हमने दिए हुए हैं। अगर पिनफॉल रखूँ तो भाई मैच लंबा हो जाता है और मैं चाहता हूँ कि भाई गेम प्ले अंडर 10 मिनट के, मतलब 10 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो जाए। तो एज ए स्टाइल और डैमेज पिस्ट भाई दोनों ने, एक भी बंदे ने अपना फिनिशर लगाने का ट्राई नहीं किया। तो अगर ये फिनिशर नहीं लगाएंगे फिर जाके लंबा हो जाएगा। वैसे अपडेट आने के बाद ना एक चीज़ मैंने नोट की अपने PC के अंदर, वैसे PC और PS5 सेम ही है, गेम तो सेम ही है। तो वहाँ पे मैं लाइव कर रहा था ना, तो बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जैसे कि स्टीव ऑस्टिन, बैक टू बैक तीन फिनिशर लगाने वाले बंदे, उन्होंने भाई एक फिनिशर लगा के सेकंड वाला फिनिशर नहीं लगा रहे थे। अगर वैसा ही सीन अगर यहाँ पे हो गया तो भाई मुश्किल हो जाएगी, गेम प्ले लंबे होते जाएंगे। तो देखते हैं कि वो स्टीव ऑस्टिन के साथ ही वैसा वाला ग्लिच हो रहा था या फिर सभी के साथ होगा, वो देख लेते हैं यहाँ पे। अरे डायमंड पिस्ट लगाने जा रहे हैं फिनिशर, बहुत बढ़िया रिवर्स हुआ, रिवर्स हो गया डैमिन का फिनिशर। एज स्टाइल अपना भी फिनिशर लगाओ। तो एक चीज़ भाई हमें बहुत ही अच्छी लगी, एज स्टाइल के साथ मुझे टीम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक भाई इनकी टीम बन गई उसी, ठीक है। तो ये जो बंदे आए हैं, जैसे मैंने एज स्टाइल को सेलेक्ट किया ना, ये दो बंदे मतलब कार्ल एंडरसन और ल्यूक गल्स ऑटोमेटिक भाई एज स्टाइल के साथ साथ आके खड़े हो गए, मतलब सेलेक्ट हो गए ऑटोमेटिक। तो एज देने जा रहे हैं भाई। इसमें एक चीज़ मेरे को और भी बहुत अच्छी लगी है, फिनिशर वैसे रिवर्स हो गया कि एज स्टाइल 2K22 के जैसे भाई अगर बंदा उठ जाए तो फिनिशर नहीं देते थे ना, इस बार चाहे बंदा खड़ा भी हो अगर ये फिनिशर देने की पोजीशन में चले गए, मतलब रिंग साइड में खड़े हो गए, तो फिनिशर दे ही देते हैं चाहे बंदा लेटा हुआ क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये भी मुझे एज स्टाइल की बहुत बढ़िया चीज़ लगी है। चलो तो एज स्टाइल फिनिशर देने जा रहे थे, लगा नहीं यार, रिवर्स भी नहीं हुआ, लगा भी नहीं, कुछ अलग ही हो गया। तो दिस इज मैन डे वर्सेस ओसी। तो देखते हैं भाई जो न्यू टीम इनका भाई गेम के अंदर डेब्यू हुआ है इस बार 2K23 के अंदर, क्या वो विन करेगी अपने फर्स्ट मैच में या फिर दिस इज मैन डे, क्योंकि नॉकआउट मैच है कोई भी विन कर सकता है, वो ज़रूरी नहीं है। अरे फिनिशर देने जा रहे थे यार, हो गया कान, अगर एक सेकेंड लेट हो जाते ना इज द स्टाइल, अरे फिनिशर लगा दिया फिन बैलर को, एक और लग जाएगा क्योंकि बंदा स्टन है। अगली गलत ने ट्राई किया, अरे सेकंड फिनिशर ट्राई नहीं किया यार, यही चीज़ें। तो भाई मेरे को लग रहा है कि ये न्यू अपडेट है इसमें थोड़ी सी गलत हुई है, अरे कि भाई ये ल्यूक गल्स जो है उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे करेक्टर प्ले किए हैं। इम्पोस्टर केन का करेक्टर भाई इन्होंने ही प्ले किया था, आई होप कि भाई सभी को पता होगा, ये 2006 या 5 की बात है, केन वर्सेस केन मैच हुआ था, उसमें जो दूसरे केन थे वो ल्यूक गल्स ही थे। तो भाई ये फिनिशर था कि क्या था, रिवर्स कर लिया है कार्ल एंडरसन भाई, जो मैंने 2K22 में डाउनलोड किए थे ना, वो थोड़ा रैंडी ऑर्टन के टाइप का मूव लगाते थे, आप उसको कटर कह सकते हो, वो बस सेम ही था लगभग, हाँ वही वही वही, तो वैसा ही है रैंडी ऑर्टन का, थोड़ा ऐसे जब रैंडी ऑर्टन का फिनिशर लगता है तो थोड़ा फील आता है, मैं थोड़ा नहीं आया, पर सेम वैसा ही है इसके अंदर भी। तो एक बंदा तो एलिमिनेट हो गया, मतलब फिन बैलर जो कि भाई करंट जजेस मैन डे के लीडर हैं, पर मेरे को तो लगता है भाई डैमिन प्रिस्ट ही ज़्यादातर, मतलब फिन बैलर से ज़्यादा ना डैमिन प्रिस्ट ज़्यादा एक्टिव रहते हैं जजेस मैन डे के अंदर, वो ज़्यादा मतलब मैचेस देते हैं, तो लीडर इनको होना चाहिए था। चलो कोई नहीं, फिन बैलर ज़्यादा अच्छे सुपरस्टार हैं, बेटर हैं भाई डैमिन प्रिस्ट से, ये लीडर उनको बनाया गया और लीडर ही सबसे पहले एलिमिनेट हो गया। तो अभी डोमिनिक मिस्टीरियो क्या एलिमिनेट कर पाएंगे किसी एक भी बंदे को, क्योंकि डैमेज जो है वो भाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज है, एक ही फिनिशर में चले जाएंगे शायद, अगर नहीं गए तो सेकंड फिनिशर में तो जाना ही है। चलो कार्ल एंडरसन पहले भी स्टन होते होते बच गए थे, फिर वही रिवर्स किया मूव, तो फिर मेरे को लग रहा है कि ये रिवर्स होते होते मतलब स्टन होते होते बच जाएंगे। और ये कर क्या रहा है डोमिनिक, डोमिनिक फिनिशर का ट्राई करो, फिनिशर लगाओगे तो ही विन कर पाओगे। जैसे ल्यूक गल्स ने फिनिशर लगाया, एज स्टाइल ने भी एक लगाने का ट्राई किया था पर वो रिवर्स हो गया। तो जैसे ही फिनिशर लगा कार्ल एंडरसन का,
तो भाई फिन बैलर एलिमिनेट। तो एंडरसन चाहे, अरे एंडरसन की आम देखो यार, वो तो जल हो गए, वो तो मैंने देखा ही नहीं। तो एक फिनिशर लगा दे डैमेज प्रिस्ट ने, एक और लगाया तो भाई ये भी एलिमिनेट हो सकते हैं, लगा दिया भाई एलिमिनेट। दो दो बंदे बचे हुए हैं, 2-on-2 का मैच शुरू हो गया है, पर अभी भी अगर सिचुएशन बॉडी और फिनिशर के हिसाब से देखा जाए तो मेरे को एज स्टाइल की टीम ही विन करती हुई दिख रही है। अरे भाई भाई सिग्नेचर लगा दे, रिवर्स होगा क्या? रिवर्स नहीं हुआ, सेकंड रिवर्सल का चांस आता, अरे आ गया आ गया, सेकंड रिवर्सल का चांस आ गया। मैंने सोचा कि भाई नहीं आएगा, पर आ गया, क्योंकि मूव भी ऐसा था कि इसमें सेकंड रिवर्सल आना ही था। अभी सारी गेम डोमिनिक मिस्टीरियो के हाथ में है, अगर इन्होंने, अरे नहीं लगाया यार, ये तो लग गया। अच्छा फिनिशर था ये, ल्यू गैलेस के फिनिशर दोनों ही, मतलब पहला वाला तो चलो ठीक था, वो तो मेरे को समझ में आ गया, ये वाला मेरे को समझ नहीं आ रहा था। सिग्नेचर भी नहीं लग रहा था क्योंकि सिग्नेचर तो गैलोस के पास था ही नहीं। चलो कोई नहीं, जो भी था बढ़िया था। हेल्थ गई डोमिनिक की, बॉडी डैमेज नहीं है, पर एक और फिनिशर लगा तो डोमिनिक एलिमिनेट हो सकते हैं, और लग गया यार। ऐसे ओसी विन करेगी तो बंदे ज़्यादा ही खुश होंगे, क्योंकि ओसी का डेब्यू मैच है, और जजमेंट डे भी भाई तकरीबन हार ही जाते हैं अगर इनके सामने कोई तगड़ी वाली टीम हो तो। इनकी ओवरऑल नहीं है ना, फिन बैलर को छोड़ के, फिन बैलर का भी इतना ज़्यादा ओवरऑल नहीं है यार, 87 का ओवरऑल क्या है यार। फिन बैलर इतना जबरदस्त सुपरस्टार है, 90 या 90 प्लस तो देना ही चाहिए था, ऊपर से ना ही डीमन कैरेक्टर दिया है। डीमन कैरेक्टर दे देते उसका ओवरऑल 92 या 93 कर देते, चलो 91 ही कर देते ड्रू मैकइंटायर के जितना ही, तो मज़ा आता। चलो कोई नहीं, इन्होंने तो भाई एज स्टाइल का भी ओवरऑल 89 ही दिया है शायद। तो इस बार ना बहुत सारे बंदों को ओवरऑल इन्होंने ज़्यादा नहीं किया, और जिनका नहीं करना चाहिए था उनका हद से ज़्यादा किया हुआ है। पर चलो कोई नहीं, नाम नहीं लेना चाहता मैं, पर जिनका किया है उन्होंने अपने टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे काम किए, तभी भाई उनका पुराना रिकॉर्ड देख के ही उनका ओवरऑल सेलेक्ट किया गया। तो अभी के टाइम से देखा जाए तो ओवरऑल जजमेंट डे के मेंबर्स का कम है। भाई ये अगर सिग्नेचर हुआ ना, सिग्नेचर हुआ तो खेल ख़त्म। अरे सिग्नेचर नहीं था शायद, रिवर्स किया है और फिनिशर आ गया, डैमिन प्रिस्ट का फिनिशर आ गया, पर ल्यूक गैलेस वन फिनिशर में जाने वाले नहीं है। अरे बढ़िया यार, कसम से क्या ही है जी, ये ल्यूक गैलेस फिनिशर था क्या ये? नहीं फिनिशर भी नहीं था, नॉर्मल ही मूव था ये, और सिग्नेचर लगा दिया कसम से। एक फिनिशर लगा तो ल्यूक गैलेस भी एलिमिनेट हो सकते हैं, पहले स्टन कर लो, ये बहुत ही बढ़िया है। मैं सही बोल रहा था ना कि डैमिन प्रिस्ट जो है ना, तो मेरे को लगता है कि यार पूरी जजमेंट डे में ना ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। और फिन वैलर के मैंने जब भी मैच देखे, फिन वैलर को किसी ना किसी तरीके से हरवा ही देते हैं ये, पता नहीं क्यों, फिन वैलर से क्या ही दुश्मनी है। पर चलो डायमंड प्रिस्ट ने लगा दिया भाई एक और फिनिशर, चोक स्लैम टाइप है ये। ल्यूक गैलेस की भाई सर्वाइवल रेट देखो यार, कितना सर्वाइव किया यार, सिग्नेचर के बाद फिनिशर, फिर फिनिशर, ऑलरेडी पहले भी डैमेज थे, पहले भी एक आधा फिनिशर या फिर थोड़ी मार खाई है गैलेस ने, तो ल्यूक जबरदस्त डैमेज पीस की तरह फिनिशर आ चुका है। एजर स्टाइल के पास तीन, मतलब दो फिनिशर, ये रिवर्स नहीं हुआ तो खेल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और भाई जैसा भी आपको ये गेम पे लगा होगा ना भाई, तो जैसा भी आपको ये गेम पे लगा, देखो द ओसी भी लिख चुका है, विनर टीम द ओसी है। तो जो भी बंदा न्यू देख रहा है जल्दी से जल्दी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही मज़ेदार गेम प्ले भाई आपको बैक टू बैक देखने को मिलेंगे, रेगुलर आएंगे गेम प्ले। कोई ही दिन होगा जिसमें मैं गेम प्ले ना डाल पाऊँ, नहीं तो भाई रेगुलर आएंगे, टेंशन मत लो। टीम मैचेस होंगे, बेस्ट मैचेस होंगे, जो भाई आप लोग कमेंट में लिखोगे वो तो ट्राई करूँगा पूरा कि वही होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट गेम प्ले के अंदर, कोई न्यू बंदा देख रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लेना, और मैं लाइव भी करता हूँ दिन के एक टाइम, फिलहाल दो टाइम भी करता हूँ, अगर एक टाइम करूँ तो फिर भी आप नोटिफिकेशन ऑन कर लो, लाइव में आप अपने फेवरेट मैचेस करवा सकते हो, तो इतना बढ़िया है यार ये देखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले के अंदर।